कैसे हो दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा हमारे कॉलोनी की ब्रीडिंग प्रोग्रेस, कि कितनी मटकी में कितने अंडे बच्चे आए हैं। फिलहाल अभी बच्चे तो नहीं आए होंगे, लेकिन लगता है अंडे ज़रूर आए हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा हमारी कॉलोनी की ब्रीडिंग प्रोग्रेस। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, एक एक मटकी चेक करेंगे, एक मट्टी में कौन सी मट्टी में कितने अंडे आए हुए हैं। तो दोस्तों हम इस वाली मट्टी से स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कि कितने इस मट्टी में बच्चे अब अंडे आए हुए हैं। लगता है इसमें अभी कुछ नहीं है। और ये दूसरे वाली मट्टी में, इसमें भी कुछ नहीं है। हाँ, ये तीसरे वाली मटकी माशाल्लाह इसमें अंडे भी है और शायद बच्चा भी निकल गया है। और अभी कुछ अंडे बाकी है और एक लगता है कि एक बच्चा आ गया है। और ये वाली मटकी में दोस्तों इसमें भी अंडे आ चुके हैं। हम देख सकते हैं कि दोस्तों इस फीमेल का कलर कितना बढ़िया है, और इसके साथ में जो मेल लगा हुआ है वो भी बहुत ही बढ़िया कलर का है। तो शायद बच्चों का कलर भी बहुत ही अच्छा आएगा। अभी ये वाली मटकी में हम चेक करेंगे और देखेंगे। हाँ दोस्तों, ये वाली मटकी में भी अंडे आ चुके हैं। दोस्तों अब देखिए फीमेल का कलर और फीमेल की साइज और अंडे भी, उसने बहुत अच्छे से अंडे को देखिए अंडे के ऊपर। दोस्तों ये वाली मच्छी में भी दोस्तों चार अंडे हैं और अंडों का साइज भी आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा है। ये सारी फीमेलों ने पहली बार ब्रीड किया दोस्तों, और बहुत ही अच्छी ब्रीडिंग की है। दोस्तों ये देखिए कितना बढ़िया से अंडों को रखती है दोस्तों। और ये वाली मक्खी में कुछ नहीं है। ये बॉक्स मैंने लगाया था और बॉक्स में नहीं लगता है, कुछ नहीं है। फिलहाल तो कुछ मटकी में अंडे भी आ चुके हैं और बच्चे भी आ चुके हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे परिंदे बजरी पैरों कितने बढ़िया से और कितने अच्छे से कॉलोनी में रह रहे हैं। दोस्तों क्या हम उनको खाने में क्या देने वाले हैं, ये देखिए दोस्तों। इसके लिए आज हम लाए हैं अजवाइन के पत्ते, ये हमने डाल दिए। अभी बहुत ही अच्छे से खाएंगे दोस्तों और खाने के लिए आएंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये देखिए सारे ही नीचे आ गए हैं पत्तों को देख के। ये देखिए ये खिलाने से उनका डाइजेशन सिस्टम बहुत ही अच्छा रहता है दोस्तों, और उन्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं होती और ये बहुत ही अच्छे से शौक से खाते हैं दोस्तों। कोकाटेल भी बहुत अच्छे से खाते हैं और बजरी करोड़ भी बहुत ही अच्छे से खाते हैं ये। तो अगर आपके यहाँ भी आपको मिले तो ये चीज़ आप ज़रूर खिलाए। और बाहर बारिश भी
शुरू है दोस्तों, बारिश का सीज़न है, तो बारिश भी बहुत ही ज़्यादा बारिश, बादल छाए हुए हैं और बारिश गिर रही है, लेकिन अभी कम हो गई। ये देखिए दोस्तों बाहर में कैसे पूरा गीला हो चुका है।